लखनऊ कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, जेल से कैदियों को लाई गाड़ियों को गया रुकवाया। विभूति खंड पुलिस पर अधिवक्ताओं से मारपीट का आरोप, आरोपी पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग पर रेड़े अधिवक्ता, पुलिस बल समेत अफसर मौके पर समझाने में जुटे। ये कुछ अधिवक्ता समिट रेस्टोरेंट में गए थे, बैठे अपना नाश्ता पानी कर रहे थे, वहाँ कुछ पुलिस कर्मी पहुँचे, कुछ दूसरे ग्रुप से उनका विवाद हुआ था, लेकिन उस गुट को ना ढूंढ करके ये लोग गए और वहाँ पे हाल बंद करके लोगों के साथ अपमानजनक व्यवहार करने लगे। कुछ अधिवक्ता वहाँ बैठे थे, उन्होंने विरोध किया कि भाई इस तरह से आप सार्वजनिक तौर पर लोगों को अपमानित नहीं कर सकते हैं। इसमें उन लोगों ने उन अधिवक्ताओं को मारना शुरू कर दिया और जब इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया तो उसके बाद सिकनी बंद करके, कमरे में बंद करके इन्होंने लाठी चार्ज किया और बुरी तरह से मारा, जिससे किसी की नाक टूटी है, किसी का सर फटा है, किसी की अंदरूनी चोटें आई हैं, दो तीन अधिवक्ताओं का हाथ टूट गया है। ये परिस्थितियाँ हैं। इस संबंध में विभूति खंड एसओ को कल ही अवगत करा दिया गया था, डीसीपी ईस्ट को अवगत करा दिया गया था, लेकिन उन लोगों के समझ में अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।